नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के कैरियर मार्गदर्शन वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एक लेक्चरर कैसे बन सकते हैं। आप जैसा जानते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी कराया जाता है, फार्मेसी डिप्लोमा भी कराया जाता है, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा भी कराया जाता है, आर्किटेक्चर डिप्लोमा भी कराया जाएगा और अन्य सभी जो है कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस जो है अवेलेबल होते हैं। तो आप कैसे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लेक्चरर बन सकते हैं, फार्मेसी डिप्लोमा के लेक्चरर आप कैसे बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट के जो है आप लेक्चरर कैसे बन सकते हैं, आर्किटेक्चर जो है इससे संबंधित आप जो है लेक्चरर कैसे बन सकते हैं, AICTE यानी कि जैसा आप जानते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि जो तकनीकी शिक्षा है यानी कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको जो भी गाइडलाइन, जो भी रेगुलेशंस, रूल्स जारी या दिशा निर्देशित किया जाता है वो AICTE के द्वारा किया जाता है। तो पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है वो एक टेक्निकल कॉलेज होने के कारण इसका जो रेगुलेशंस या जो रूल्स जो भी जारी किए जाते हैं वो AICTE के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो AICTE का जो रेगुलेशंस है, लेटेस्ट रेगुलेशंस जो है क्या कहता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज लिमिट होती है, प्रमोशन जो है लेक्चरर का किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कैसे होता है एंड कहां तक जो है सैलरी मिलती है, स्टार्टिंग एंट्री लेवल से लेकर और जब प्रमोशन होता है तो कहां तक जो है सैलरी मिलेगी, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी नए बदलाव है AICTE की वेबसाइट से जो है हम आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जो है अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही जो है मेरी मेहनत का फल है। तो मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ऑलरेडी मैंने जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जो है कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आप बन सकते हैं इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट कॉलेज में आप जो है कैसे प्रोफेसर बन सकते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है देख सकते हैं। तो चलिए, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दें, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें। अभी हम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। लिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन नोटिफाइड द काउंसिल, हमें रूल्स और रेगुलेशंस देखने हैं कि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में AICTE का जो रेगुलेशंस है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर आना पड़ेगा आपको 8th नंबर पे AICTE रेगुलेशन जो 1 मार्च 2019 को AICTE के द्वारा जो है जारी किया गया है। इसमें क्या है, AICTE रेगुलेशंस ऑन पे स्केल, सर्विस कंडीशन एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड मेजर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा लेवल रेगुलेशन 2019। तो इस रेगुलेशंस को मैं डाउनलोड करके जो है आपको एक एक चीज़ें को जो है मैं AICTE के रेगुलेशन से क्लियर करने वाला हूं। तो आप जो है अपनी आंखों से आप खुद भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है तो मैं उसको ओपन कर लेता। सो दोस्तों, ये हमने AICTE डिप्लोमा पे स्केल्स क्वालिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया, ये हिंदी इंग्लिश में दोनों भाषाओं में है, द गैजेट ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र, और ये 1 मार्च 2019 को AICTE के द्वारा जो है जारी किया गया। और ये किस पे लागू है आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन संस्थाओं की श्रेणी जिन पर ये रेगुलेशन लागू है। ये ऐसी प्रत्येक डिप्लोमा लेवल की जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उन पर जो है ये लागू है, क्लियरली ये मेंशन है। तो मैं इनको जो है आपको जो है बता देता हूँ। तो ये जो है हम यहाँ पर इंग्लिश में जो है एक बार ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये AICTE रेगुलेशंस है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिप्लोमा लेवल रेगुलेशन 2019। अब ये लागू किस पर है, मैंने बता दिया, डिप्लोमा लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो नाउ इफेक्टिव डेट आप देख सकते हैं। अब हम जो है रिवाइज जो डेजिग्नेशन है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है वो देख लेते हैं कि अगर आप
लेक्चरार बनेंगे तो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा या प्रमोशन के द्वारा। तो यहाँ पे जो है किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है ये जो डेजिग्नेशन होते हैं, आप पोस्ट मान लीजिए कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो सबसे पहले जो लेक्चरार होता है उसके बाद जो है लेक्चरार का प्रमोशन होकर लेवल 10 में जाएगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल 10 होता है यानी कि 57,700, लेकिन लेक्चरार का जो लेवल होता है यानी कि जो सैलरी स्केल होता है वो 9A होता है, यानी कि 56,100 एंट्री पे मिलता है, 56,100 प्लस जो भत्ते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको मिल जाएगा, आपको DA महंगाई भत्ता मिलेगा, आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, जैसे दिल्ली में इसका 24% मिलेगा प्लस जोड़ लीजिए, अन्य जो जगह है वहाँ पे 8% और 16% है, इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं। अब लेक्चरार की जो भर्ती होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, लेक्चरार लेवल 10 का प्रमोशन के आधार पर भी होता है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, यानी कि जो लेक्चरार 9A पर जो है भर्ती होगा वो जो है प्रमोशन होकर प्रमोटेड होकर लेवल 10 में जाएंगे। लेवल 10 वाला जो लेक्चरार है वो सीनियर स्केल में आ जाएगा प्रमोशन के द्वारा, और 68,900 यानी कि पे लेवल 11। ये पे लेवल क्या है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन पर क्लिक करके आपको वीडियो मिल जाएगी। आप लेक्चरार का नेक्स्ट प्रमोशन होगा आपका लेक्चरार सिलेक्शन ग्रेड 1, ठीक है, लेवल 12। इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रिंसिपल तक जो है प्रमोशन जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये है नाउ, अब हम देख लेते हैं कि ये जो है ये प्रमोशन का जो है मैंने दिखा दिया, एक लेक्चरर एक प्रिंसिपल तक बन सकता है किसी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो कॉलेज है इंस्टीट्यूट है उसका। अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, एज लिमिट आप यहाँ पर देखिए अधिकतम 65 वर्ष है, इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह ही 65 वर्ष तक, 5 वर्ष की छूट जो है यहाँ पर दी गई है, एक्सटेंशन आपको मिल सकता है अगर आप फिजिकली फिट है या आपका फीडबैक जो है एवरेज 360 अच्छा है, मतलब आउट ऑफ 10 8 एंड अबव है, तो यहाँ पर जो है लास्ट 3 ईयर्स में जो है आपका ये होना चाहिए। नाउ लेक्चरार जो है या HOD या प्रिंसिपल जो है एक सप्ताह में कितने जो है घंटे लेक्चर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ अब हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि जिन्होंने PhD या MPhil और हायर एजुकेशन की है यहाँ पे जो है 5 नॉन कंपाउंडेड एडवांस इंक्रीमेंट उनको दिया जाता है, आप ये पढ़ सकते हैं। अब हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर बात करें यहाँ पर मैंडेटरी जो है वो टीचर ट्रेनिंग भी होती है BTech या जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसी की तरह, लेकिन ये जब आपकी सर्विस लग जाती है 1 साल के अंदर अंदर आप करना होता है। अब जो है हम फाइनली वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेक्चरार का डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूशन में क्या होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेक्चरार की पोस्ट के लिए जो है वो 2 तरीके से होता है क्वालिफिकेशन के आधार पर, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी यानी कि 3 ईयर्स जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है उसमें आप जो है लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech या BS जो है आपकी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो केवल इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेवल आपको 9A मिलेगा यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उससे एक लेवल कम मिलेगा, 56,100 रुपये होगी, ठीक है। अगर आप फार्मेसी में जो है डिप्लोमा लेवल पे जो है आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो फार्मेसी को पढ़ाने के लिए आपके पास B Pharma होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ। अगर आप होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा जो है स्टूडेंट को जो है आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो 4 ईयर्स आपके पास होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट क्लास। आर्किटेक्चर के लिए आपके पास बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होना चाहिए डिग्री और यहाँ पे जो है फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए। फाइन आर्ट के अगर आप बनना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री जो है आपनी चाहिए फाइन आर्ट में अप्लाइड आर्ट।
ये डिज़ाइन में अगर आप जो है बनना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री इन डिज़ाइन और ये मिनिमम 4 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है, जिस भी स्ट्रीम में आप डिज़ाइन में बनना चाहते हैं। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के जो है अगर आप जो है बनना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप बनना चाहते हैं फर्स्ट क्लास के साथ, ठीक है, और बैचलर और मास्टर डिग्री लेवल पे आपका जो है ये होना चाहिए। सो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें लेक्चरर की लेवल 10 फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन, तो यहाँ पे जो है बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फर्स्ट क्लास जो है किसी भी एक लेवल पे, चाहे बैचलर लेवल पे चाहे मास्टर लेवल पे, आपकी फ़र्स्ट क्लास जो है होनी चाहिए। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए जो है अगर आप जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहते हैं लेवल 10 में लेक्चरर के लिए, तो यहाँ पे आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, एंड उसके बाद आपने नेट क्वालिफाई किया हो, यूजीसी और सीएसआईआर नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए या स्लेट और सेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। प्रमोशन के लिए आपका लेक्चरर 9A से लेवल 10 में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये दिया हुआ है कैंडिडेट्स ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज शैल बी प्लेस्ड इन लेवल 10 एंड सुटेबल, वही कंडीशन होगी मास्टर डिग्री के साथ नेट और उसके साथ साथ आपका सेट या नेट या स्लेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। इन केस कैंडिडेट डोंट एक्वायर मास्टर डिग्री इन केस ऑफ टेक्निकल डिसिप्लिन, ठीक है, तो ठीक है, डोंट क्लियर नेट कंडक्टेड बाय ये और सिमिलर टेस्ट, दे शैल बी प्लेस इन अप्रोप्रिएट सेल ऑफ लेवल 10 ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है, में जो है अगर किसी ने मास्टर डिग्री नहीं की और नेट सेट स्लेट क्वालिफाई नहीं किया तो 5 सालों में जो है लेवल 9 से लेवल 10 में जो है यहाँ पर प्रमोशन होगा, ठीक है। ये ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस की मैंने बात की, ठीक है। टेक्निकल के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास के साथ या तो बैचलर लेवल पे या फिर मास्टर लेवल पे। अगर हम लेक्चरर सीनियर स्केल की बात करें प्रमोशन कैसे होगा लेवल 11 में, तो यहाँ पे जो है आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो लेक्चरर की तरह होनी चाहिए, यानी कि बीटेक फर्स्ट क्लास के साथ, 3 वीक्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद 2 वीक्स ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम रिकॉग्नाइज बाय AICTE, 1 वीक फैकल्टी प्रोग्राम, ठीक है, और यहाँ पे जो है MOOCs कोर्स आपने जो है किया हो, एंड 5 सालों का एक्सपीरियंस जो है आपका होना चाहिए, ठीक है, एंड या फिर जो है 6 सालों का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए अगर आपका 360 फीडबैक जो है 5 से 8 के बीच में है, ठीक है। तो ये है आपका, तो इसी तरीके से लेवल 12 पे प्रमोशन आपका किस प्रकार से होगा, यहाँ पे आपको 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस जो है, साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए यहाँ पे। इसी प्रकार से लेवल 13A1, तो ये प्रमोशंस की बात जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में। सो यहाँ पे जो है मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी चाहिए थी वो मैंने बता दिया, अब हम प्रमोशन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट जो है रहने वाली है, एंड वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक